हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसके क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको 11.2 के, ठीक है। इससे पहले मैं आपको 11.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और हमारे पास जो 11.2 का जो बेसिक है सारे के सारे फॉर्मूलाज वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जितने भी नए बच्चे आते हैं चैनल के ऊपर वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो और बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रखा है, शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसने बोला है कि हमारे पास ये तीन लाइन दे रखी हैं डायरेक्शन कोसाइन्स के साथ, हमें ये प्रूफ करना कि ये तीनों की तीनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने के लिए मैंने क्या बताया था, A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस में C1 C2 क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल हमारे पास ये A1 हो जाएगा, ये हमारे पास B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी सिंपल प्रोडक्ट करके क्या करनी है, जीरो के इक्वल रखना है हमारे पास। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाती हूँ मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए नहीं करवा रही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको इसके। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1-1 2-3-4-2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। हमारे पास इसने बोला कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। इनके सेम काम इसके अंदर करना है। इसके अंदर भी हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास इनकी जो हमारे पास A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, जीरो के इक्वल आएंगे, उनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी। ये करा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो हमारे पास ए पॉइंट मान लो दे रखा है 1-1 2, बी पॉइंट हमारे पास दे रखा है 3-4-2, सी पॉइंट हमारे पास दे रखा है 0-3-2 और डी पॉइंट हमारे पास दे रखा है 3-5-6, ठीक है। तो हमारे पास जो ए वन बी वन और सी वन है वो हमारे पास कैसे आएंगे, ए वन कैसे आएगा ए टू माइनस का ए वन यानी कि 3-1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3-1 = 2। ऐसे ही हमारे पास B1 क्या आ जाएगा 4-1 यानी कि 4-1 क्या आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। C1 क्या आ जाएगा -2 यानी कि -4, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों पॉइंटों से निकाल लेंगे हमारे पास A2 B2 और C2, ठीक है। A2 कैसे निकलेगा 3-0 यानी कि 3, B2 कैसे निकलेगा 5-3 यानि के 2, C2 कैसे निकलेगा 6-2 यानि के 4, ठीक है। आगे हमारे पास समझ में। अब हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो AB और CD है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कब, इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 है वो हमारे पास क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, प्लस में B1 की वैल्यू क्या है 5, B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, प्लस में C1 की वैल्यू क्या है -4 और C2 की वैल्यू क्या है 4 = में क्या आ गया, सॉरी इसको जीरो के इक्वल तो प्रूफ करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 6 + 10 - 16। तो 16 - 16 हमारे पास क्या आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारे जो पास AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा CD के, क्यों, क्योंकि इनकी जो हमारे पास जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे पास क्या आ गई, जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारे पास एक्सरसाइज का क्या दर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ द पॉइंट दिस। इसमें भी सेम काम है, दो पॉइंट दे रखे हैं, AB दे रखा है, CD दे रखा है, हमें AB को CD के पैरेलल दिखाना है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती थी, A1 / B A2 = B1 / B2 = C1 / C2 का रेशो हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल वाला और करवा देती हूँ आपको। देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है 4-7-8, बी हमारे पास दे रखा है 2-2-3-4, ठीक है। सी हमारे पास दे रखा है -1-2-1 और डी हमारे पास दे रखा है 1-2-5, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है AB यानी कि हमें चेक करना है पैरेलल के लिए। AB है वो हमारे पास पैरेलल कब होएगा CD के, जब A1 / A2 = B1 / B2 = क्या आ जाए, C1 / C2 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो A1 कैसे निकलेगा भाई, सेम काम, 2-4 हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ निकालते हैं A1 B1 C1, ठीक है। 2-4 क्या आएगा 2, 3-7 क्या आएगा 4,
फोर माइनस का एट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का फोर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए टू बी टू और सी टू निकालेंगे। ए टू कैसे निकलेगा, वन माइनस में माइनस का वन, यानी कि वन प्लस में वन कितना हो गया टू, टू माइनस में माइनस का टू, यानी कि टू प्लस का टू कितना हो गया फोर, फाइव माइनस का वन कितना आ गया फोर, ठीक है। अब रेशो चेक करेंगे तो देखो ए वन अपोन में बी वन, सॉरी ए वन अपोन में ए टू, ए वन अपोन में ए टू का रेशियो क्या रहा है, माइनस का टू अपोन में टू, माइनस का वन आ रहा है। ए टू बी वन अपोन में बी टू का हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का फोर अपोन में फोर, माइनस का वन आ रहा है। और सी वन अपोन में सी टू का क्या आ रहा है, माइनस का फोर अपोन में माइनस का वन, तीनों का रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ए वन अपोन में ए टू इक्वल है बी वन अपोन बी टू के, इक्वल है सी वन अपोन में सी टू के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आगे समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या देखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। हमें एक पॉइंट दे रखा है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की, और जो लाइन जो पॉइंट की जो लाइन आएगी ना वो इस वेक्टर के क्या आएगी, पैरेलल आएगी, ठीक है। तो देखो ये देखो, ए पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है और बी वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी, जो लाइन की इक्वेशन वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास ए वेक्टर क्या बन जाएगा, आई प्लस टू जे प्लस में थ्री के, बी वेक्टर ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता है जब हमारे पास ए वेक्टर है वो किसी पैरेलल, कोई पॉइंट किसी लाइन के पैरेलल होता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर की वैल्यू सबको पता है, वैसे तो क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, बट हमें निकालनी नहीं है। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा। बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री आई प्लस टू जे माइनस का टू के, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो कोफिशियंट लेंगे हम यहाँ पे, इसको चाहो तो आप सोल्व करते हो कर सकते हो, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आ रखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, क्या दे रखे हैं, टू आई माइनस का जे प्लस का फोर के, और इज इन द डायरेक्शन, ये हमारे पास डायरेक्शन दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है। हमें क्या करनी है, वैक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो ए वैक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, टू आई माइनस का जे प्लस का फोर के, ठीक है। बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, आई प्लस टू जे माइनस का के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी हमारे पास। अब इसने क्या बोला है कि आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड आउट करो और वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर होती है, ठीक है। आर वेक्टर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ए वेक्टर हमारे पास क्या, टू आई माइनस का जे प्लस का फोर के प्लस में लैम्डा। बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, ये रहा आई प्लस टू जे माइनस का के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लैम्डा को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्लस में वन, यानी कि लैम्डा को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर पहले ऐसे लिख लो, टू प्लस में लैम्डा आई प्लस में माइनस का वन प्लस का टू लैम्डा जे कैप प्लस में क्या हो जाएगा, फोर माइनस का लैम्डा के कैप, ठीक है। इनको ऐड कर दिया, अब हम इस लैम्डा को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस लैम्डा, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का वन प्लस टू लैम्डा, और जेड हमारे पास क्या आ गया, फोर माइनस का लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस का टू अपोन में वन इज इक्वल टू वाई प्लस का वन अपोन में टू इज इक्वल टू जेड माइनस का फोर अपोन में माइनस का वन, ठीक है। लैम्डा को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो हमारे पास क्या दे रखा है,
फाइंड द कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। हमारे पास हमें कार्टिजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, और ये हमारे पास जो लाइन है इसकी क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो क्या दे रखा था हमारे पास। एक्स प्लस का 3/3 इज इक्वल टू वाई माइनस का 4/5 इज इक्वल टू जेड प्लस का 8 अपॉन में क्या दे रखा है 6। ये हमारे पास क्या दे रखी थी, इसकी कार्टिजियन फॉर्म दे रखी थी। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट था वो पॉइंट क्या दे रखा था, माइनस का 2, 4 और माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट दे रखा था। तो देखो ये हमारे पास कार्टिजियन फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 3/5/6 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियो आ गई, और ये हमारे पास डायरेक्शन जो रेशियो है वो हमारे पास किसके पैरेलल थे, इस लाइन के पैरेलल थे। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो इसके क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज इसको के इक्वल रख लेंगे तो 3k 5k और क्या हो जाएगा 6k। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 वो किसके इक्वल होती है, x-x1 अपॉन में इज इक्वल टू y-y1 अपॉन में भी इज इक्वल टू z-z1 अपॉन में c इसके इक्वल होती है। ठीक है, जहाँ पे a b c हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो माइनस का 2, x2 की y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4, और z1 की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 अपॉन में 3k इज इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन में 5k इज इक्वल टू जेड प्लस का 5 अपॉन में 6k। ठीक है, k को साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस का 2/3 इज इक्वल टू वाई माइनस का 4/5 इज इक्वल टू जेड प्लस का 5/6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, k इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की। हो गया, आसान था ना बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, द कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास कार्टिजियन कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कार्टिजियन इक्वेशन दे रखी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 5/3 ये हमारे पास क्या दरखी थी, लाइन दरखी थी, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे x माइनस वाई एक्स वन होता तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 5, y माइनस वाई वन होता तो माइनस का 4, और z-z1 होता तो हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास नीचे वाले इसके क्या आ गए, डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, यानी कि 3/7/2। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए वैक्टर तो हमारे पास क्या बन गया, 5 माइनस का 4j प्लस का 6k, और जो हमारे पास बी वेक्टर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 3i प्लस 7j और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ से हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, r वेक्टर किसके इक्वल होता है, a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर हमारे पास क्या है, 5i माइनस 4j प्लस का 6k प्लस में लैम्डा। b वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, 3i प्लस 7j प्लस में 2k। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी, आ गया वो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दरखा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजन एंड दिस। ये हमें वेक्टर और कार्टिजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की। ठीक है, जो ओरिजन से पास कर रही है, और एक पॉइंट हमारे पास ये दरखा है 5-2, 3 यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो ओरिजिन से पास कर रही है तो हमारे पास ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 0i प्लस 0j प्लस 0k, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, मान लो वो ए पॉइंट है, वो हमारे पास क्या दे रखा है, 5-2 और 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट कैसे निकलेगा, 5-0 क्या आ जाएगा, 5-0 5, -2 -0 क्या आ जाएगा, -2, और 3-0 क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जो हमारे पास बी वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया, 5i-2j प्लस का 3k। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास अब r वेक्टर किसकी इक्वल होता है, a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर के, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होती है। तो a वेक्टर तो हमारे पास क्या है, 0 वेक्टर प्लस में लैम्डा, b वेक्टर हमारे पास क्या था, 5i-2j प्लस का 3k। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 5i-2j प्लस में 3k के इक्वल आ गया r वेक्टर। ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन होगी, वेक्टर इक्वेशन। अब हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी थी, कार्टिजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास कार्टिजियन इक्वेशन क्या होती है, जिसके हमारे पास जो पॉइंट किससे पास कर रही हो, x1
y1 z1 से, और जिसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या होते हैं ABC, तो हमारे पास क्या होती है x माइनस का x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन में c, ठीक है। तो x माइनस x1 x1 हमारे पास क्या दे रखा है 0, y1 भी हमारे पास क्या दे रखा है 0, और z1 भी क्या दे रखा है 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, y माइनस y1 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू z माइनस का 0 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई x/5 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू में z/3, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी कार्टिजियन फॉर्म आ गई लाइन की, कार्टिजियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी बिल्कुल सेम है, फाइंड द वेक्टर कार्टिजियन इक्वेशन। ये हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, इनकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टिजियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन। एक क्वेश्चन करा देती हूँ इनमें से, ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स दे रखी है, हमें क्या करना है एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, देखो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। हमें पता है हमारे पास जो कोस थीटा होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है, इसकी इक्वल होता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास b1 वेक्टर क्या हो जाएगा 3i + 2j + 6k हो जाएगा। b1 वेक्टर क्या आ गया 3i + 2j + 6k, और जो हमारे पास b2 वेक्टर वो हमारे पास क्या हो जाएगा i + 2j + 2k, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि a1 + b1 a2 + b2 के इक्वल होता है। अब तो देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर और प्लस में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9 + 4 + 36 49, यानी कि 7 के इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ b2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वेयर + 2 का स्क्वेयर और प्लस में 2 का स्क्वेयर, ठीक है। तो 1 + 4 + 4√9, ये इसकी इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। और अब b1 dot b2 करेंगे, तो b1 vector dot b2 vector करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 + 2 = 4 + 6 = 12, ठीक है। तो 4 × 3 = 7 12 + 7 = 19, तो b1 vector dot b2 vector वो हमारे पास कितना आ गया 19 आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू cos वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास देखो cos थीटा क्या आ जाएगा, b1 dot b2 हमारे पास क्या है 19 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या आया है 7 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 हमारे पास क्या है 3, तो 19 अपॉन में 21 ये हमारे पास क्या आ गया cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 19 अपॉन में 21, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, पार्ट सेकंड आप लोग कर लेना, आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ये हमारे पास लाइन दे रखी है, इनके एंगल निकाल लेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन दे रखी थी 10th क्वेश्चन में, इसमें कार्टिजियन फॉर्म दे रखी है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास कार्टिजियन फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, b1 वेक्टर चाहिए। b1 वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो से बनता है इनके नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा 2i + 5j - 3k, ठीक है। b2 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा -i + 8j और प्लस का क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। अब cos थीटा का फॉर्मूला तो पता ही, अभी बताया था क्या होता है b1 vector dot b2 vector अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास b1 vector dot b2 vector क्या आएगा 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया -2, 5 × 8 = 40 प्लस में हमारे पास 4 × 3 = 12 यानी कि -12, ठीक है। तो -2 × 40 × में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का साइन होता है बीच में, तो प्लस का 40 और माइनस का क्या आ गया 12, तो -2 - 12 - 14 और प्लस का 40 हमारे पास क्या आ गया 26 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई डॉट प्रोडक्ट आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वेयर + 5 का स्क्वेयर + -3 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या आ गया 4, 5 का स्क्वेयर क्या आ गया 25 और 3 का स्क्वेयर हमारे पास क्या हो गया 9, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया √38 के। ऐसे ही हम b2 वेक्टर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
माइनस वन का स्क्वायर वन, एट का स्क्वायर 64, फोर का स्क्वायर क्या आ गया 16, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 81, ये इनके क्या आ जाएगा 9। सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया 26 अपॉन में 2√38, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स 26 अपॉन में 9√38, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, एंगल आ जाएगा इनके बीच का। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी शो दैट द लाइन्स आर एट राइट एंगल। हमें क्या करना है, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसने बोला ये दोनों के दोनों क्या है राइट एंगल के ऊपर है। ठीक है, तो राइट एंगल के ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। देखो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखे हैं दो। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाएंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस का वन अपॉन में माइनस का थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस का टू अपॉन में टू पी अपॉन में सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस का थ्री अपॉन में टू। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वन अपॉन में थ्री पी अपॉन में सेवन वाई माइनस का फाइव बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस का सिक्स अपॉन में माइनस का फाइव। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आ गया माइनस का थ्री टू पी अपॉन में सेवन और टू, और इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आ गया माइनस का थ्री पी अपॉन में सेवन वन और माइनस का फाइव। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होता है ए वन ए टू प्लस में बी वन बी टू और प्लस में सी वन सी टू क्या होता है जीरो के इक्वल होता है अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए वन की वैल्यू क्या है माइनस का थ्री, ए टू की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का थ्री पी अपॉन में सेवन, प्लस में बी वन की वैल्यू क्या है टू पी अपॉन में सेवन, बी टू की वैल्यू क्या है वन, प्लस में सी वन क्या है टू और सी टू क्या है माइनस का फाइव इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो ये थ्री थ्री जन नाइन, नाइन बाई सेवन पी प्लस का टू पी बाई सेवन और माइनस का टेन इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया नाइन प्लस का टू इलेवन पी इज इक्वल टू में सेवनटी, तो पी की वैल्यू क्या होगी सेवनटी बाई में इलेवन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, पी की वैल्यू ही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी सेम काम करना है। ये हमारे पास लाइन दे रखी है और ये परपेंडिकुलर दिखानी है दूसरे के, तो हमारे पास ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। कर लोगे ना आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये हमारे पास लाइन दे रखी है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पता होगा ना, वो फॉर्मूला लागू होगा इसके अंदर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास आर वेक्टर किसके इक्वल आ गया ए वन प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर के, और जो हमारे पास यहाँ से आर टू वैक्टर वो हमारे पास क्या आ गया ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर के। ठीक है, हमारे पास जो छोटा डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास क्या होता है डी इज इक्वल टू बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर इंटू में क्या होता है ए टू माइनस ए वन वैक्टर, बीच में डॉट प्रोडक्ट होती है, डिवाइडेड बाई क्या होता है बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी वन क्रॉस बी टू निकालना पड़ेगा। देखो हमारे पास ए वन की वैल्यू क्या है आई प्लस टू जे प्लस के, ए टू की वैल्यू हमारे पास क्या है टू आई माइनस का जे माइनस का के, बी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है आई माइनस जे प्लस के, बी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है टू आई प्लस जे प्लस का टू के। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं ए टू माइनस ए वन निकाल लेते हैं, ए टू माइनस ए वन टू माइनस का वन वन यन के आई माइनस का जे माइनस का टू जे तो माइनस का थ्री जे और प्लस में माइनस का वन और माइनस का वन हमारे पास क्या हो गया माइनस का टू तो माइनस का टू के, ये तो हमारे पास क्या आ गया ए टू माइनस ए वन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर, तो उसमें क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। ठीक है, तो यहाँ पे बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस वन वन टू वन टू। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे ना मैट्रिसेस का ऐसे ही सोल्व करना है, तो बी वन क्रॉस बी टू हमारे पास क्या आ जाएगा आई एज इट इज़ माइनस का टू माइनस का वन माइनस का जे टू माइनस का टू प्लस का के वन प्लस का टू। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या गया, माइनस का 3i, ये हमारे पास जीरो हो गया। प्लस का हमारे पास क्या आ गया, 3k b1 cross b2। ठीक है, अब इसका क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड करना होता है। तो देखो मोड ऑफ b1 cross b2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का square 9 प्लस में 3 का square 9, तो हमारे पास क्या हो गया, √18। और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 3i प्लस का 3k, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, a2 - a1 यानी कि i माइनस का 3j माइनस का 2k। नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया इसका, 3√2 आया है। ठीक है, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 3 और 1 यानी कि माइनस का 3 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × −2 डिवाइडेड बाय 3√2। तो ये हमारे पास क्या गया, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 9/√2। तो ये 3 पे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 3/√2 आ गया। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर लो, रैशनलाइज कर लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/√2 हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। आगे समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ये हमारे पास लाइन दे रखी है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बाकी दोनों क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। ये आप लोग खुद ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 11.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे प्लेन के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। ठीक है, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन की क्या क्या कंडीशन होती हैं, और जो क्लास 9th का जो चैप्टर करवाया था मैंने, उसकी भी जो 12.2 एक्सरसाइज है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी शाम तक। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।